जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में लीवर प्रोटेक्टर नहीं लेते, तो आज यहाँ पे लीवर प्रोटेक्टर लगने हैं और यहाँ पे लगेंगे एलईडी इंडिकेटर्स जो कि स्विंग रहते हैं, और ये जो टेल टीडी है ये यहाँ से रिमूव होने वाला है। सो हे गाइस, दिस इज लोकेश एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो व्हाट्स एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है दिन के 2 बजे और हम दोनों भाई यहां से निकल रहे हैं मॉडल ग्राउंड की तरफ मार्केट में, क्योंकि बाइक की मॉडिफिकेशन अभी अधूरी है। और जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा है, हमारे जो लीवर गार्ड थे वो डैमेज आ चुके हैं, तो वो हमने रिटर्न करवा दिए हैं। तो अभी हमारे पास टेल टीडी रखी है और बाकी जो एक्सेसरीज है वो हम मार्केट से ही लगवाने वाले हैं, और लीवर गार्ड भी मार्केट से ही ले लेंगे क्योंकि वो रिटर्न हो चुका है और उसका मनी भी हमें मिल चुका है वापस। तो हम सोच रहे हैं कि मार्केट से ही ले लें। तो अभी हम इंस्टेंट जाके बाइक में जो भी चीजें थी और उसके अलावा एलईडी इंडिकेटर्स भी ऐड करवा लेंगे, और बहुत सारी चीजें आज चेंज होनी है बाइक में। मतलब आज एक बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन हो रही है बाइक में, पीछे का मडगार्ड भी हटने वाला है, तो यार बहुत मजा आने वाला है। तो ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहे और बिना टाइम को वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और निकलते हैं घर से। बॉक्स मुझे दे दे, बाइक तो चमचमा रही है, अभी कपड़ा मारा था सुबह, और आप देख सकते हैं चैनल का लोगो, वाओ। और ये गोल्डन जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में लीवर प्रोटेक्टर नहीं लेते, तो आज यहाँ पे लीवर प्रोटेक्टर लगने हैं और यहाँ पे लगेंगे एलईडी इंडिकेटर्स जो कि स्विंग रहते हैं, और ये जो टेल टीडी है ये यहाँ से रिमूव होने वाला है, और बाकी देखते हैं क्या क्या चीजें रिमूव होती है। चलो निकलते हैं। अभी हम यहाँ हैं एमडी ग्राफिक्स मॉडल ग्राउंड में। तो एमडी ग्राफिक्स जो शॉप है ये जानी जाती है अपनी सुपर बाइक के कलेक्शन के लिए, और देख सकते हैं आप हमारे सामने हार्ले डेविडसन, और इसके साइड में है R1, R6 और BMW। क्या बात है। सो ये सब सेकेंड हैंड बाइक्स हैं और यहाँ पे बाकी बाइक मॉडिफिकेशन का सारा काम होता है। बट यहाँ तो देखो R15 कितनी सी लग रही है हायाबुसा के आगे। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ यांगो के एलईडी इंडिकेटर्स, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बेस्ट हैं, तो हम यही इंस्टॉल करवाने वाले हैं। IBS डॉप्स लीवर गार्ड या लीवर प्रोटेक्टर, तो आप देख सकते हैं ये वाले मुझे अच्छे लगे हैं क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, और ये वाले की क्वालिटी थोड़ी यार लो क्वालिटी है, ये थोड़े सस्ते में मिल रहे थे, बट हम बेस्ट ही काम कराएंगे। ऑलराइट, तो मिल चुका है पूरा एक्सेसरीज का सामान यहाँ पे टॉप ऑटो गैलेक्सी मॉडल ग्राउंड में, आपको ये शॉप मिल जाएगी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, ऑनलाइन से भी सस्ते प्राइस में मिल जाएगा सामान, को एक बार विजिट जरूर करें भोपाल वाले जो भी देख रहे हैं, तो सामान लो। चलो तो अब निकलते हैं इसको इंस्टॉल कराने के लिए बाइक में। शॉप बता दी क्या भाई ने? बेल लगी है ना। चलो, सो फाइनली आ चुके हैं अभी घर सारा सामान लेके, और ये इंस्टॉल नहीं करवा पाए, अभी ये काम बाकी है और ये मेरे को आज की डेट में ही कराना है, कुछ भी हो जाए। फाइनली अभी हम वापस रिटर्न बैक घर आ चुके हैं, क्योंकि यार कुछ समझ में ही नहीं आया मार्केट में, अभी हमें इंस्टॉल कराने चाहिए थे इंडिकेटर, तो बाकी अभी बाइक जैसी लेके गए थे वैसी की वैसी तुरंत लेके आ गए, और कुछ भी काम नहीं हो पाया बाइक में, बिकॉज हमने सोचा कि नॉर्मल मैकेनिक से लगवा लेंगे उसे, तो थोड़ा कम में भी काम हो जाएगा, पैसे भी कम लेंगे, तो बट प्रॉब्लम यह है कि हर कोई उसे इंस्टॉल नहीं कर सकता, बिकॉज वायरिंग का वर्क है पूरा, स्विच भी लगाना है, लाइटिंग वर्क, तो उसमें थोड़ा, और जो इंडिकेटर है R15 V3 के, जो आगे के इंडिकेटर है वो भी फेयरिंग के ऊपर से नहीं लग सकते, फेयरिंग को खोलना पड़ेगा, और अब देखते हैं क्या होता है। तो
अब क्या करना है, हिमांशु तो चला गया क्योंकि उसे अर्जेंट काम था, इसलिए वो चला गया। अब मैं अकेला हूँ, तो अभी मैं उठाऊंगा शानू को और शानू और हम लोग अब जाएंगे। और आज की डेट में भाई कराना है इंस्टॉल ये, तो भाई कुछ भी हो जाए आज मेरे को बाइक में इंस्टॉल कराना ही है। अभी टाइम हो गया है 4:15 बज रही है, 1 घंटे में मेरे को ये काम कराना है, 5 बजे तक निपटाना है ये काम फटाक से। तो अब जल्दी से निकलते हैं घर से और उठाते हैं शानू को। चेक मिलाना सर, प्लेन मिलाना मत लाना पापा। अरे चेक, अब चेक नहीं लाएंगे, कैश लाएंगे अपन। कैसे आनू, कैश लाएंगे। अंधेरा दिख रहा है लेकिन चल बे। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं टेल ट्रीड निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालने होंगे ये दो स्क्रू, यानी ये एक और ये दो, इन दोनों को हटाना पड़ेगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद ये जो मड गार्ड का है तो इसका भी डिसाइड नहीं किया है कि यार मड गार्ड रिमूव करना है या नहीं, अगर अच्छा लगेगा तो हटा देंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो देखो गाइज, अभी आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर्स लगाने के लिए बाइक कहाँ से फेयरिंग खोलना होता है, बस इतना सा पार्टी निकालना होता है तब हम इंडिकेटर्स इसमें लगा पाते हैं। तो दिखाता हूँ। सो ये निकल चुका है हमारा ऊपर का फेयरिंग, और यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको इंडिकेटर्स के दो वायर, ये तरह दो वायर इंडिकेटर के, तो ये यहाँ से इसमें लगता है, ये अभी यहाँ से रिमूव होगा। ये क्या है, चप्पल धोने दिखा रही है। अमन भाई आ चुके हैं। कुछ नहीं, अमन भाई का हुलिया देखोगे। अमन भाई की तबीयत खराब है। ये निकल गई टेल टाइडी इतनी बड़ी, अब ये नहीं लगाना है। नहीं ना, छोटी मूंछ लगेगी। मैंने बोला ना अच्छी लग रही है, देखो। और यहाँ देखो यार, पूरी बाइक खुली पड़ी है, मतलब कि पहली बार मेरे सामने ये सब हुआ है। और टेल टीडी भी रिमूव हो चुका है, और आगे से आप देख सकते हैं दोनों इंडिकेटर्स भी रिमूव कर दिए हैं यामाहा के। सो अब लगेंगे यांगो के एलईडी इंडिकेटर्स विद एजार्ड। अभी चल रहा है वायरिंग वर्क, तो अभी वायरिंग का वर्क हो जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर की चीज़ें होंगी, तो बस वायर जुड़ने हैं और इंडिकेटर हो जाएंगे स्टार्ट। तुम चुप भैया यार, यही निकला था बस बस। सुन तो स्क्रू खासे हैं भाई उसके अंदर, कोई इंडिकेटर लगे ओरिजिनल वाले कहाँ हैं। सो हो चुका है सेटअप कंप्लीट, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट स्विच यहाँ लगाना चाहिए था भाई को, बट भाई ने यहाँ एडजस्ट कर दिया है। सो आप देख सकते हैं इसमें है ऑन एंड ऑफ, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये एजार्ड जलेंगे, 4-5 अलग अलग तरीके से। और लीवर प्रोटेक्टर मतलब लीवर गार्ड भी लग चुके हैं एकदम सही तरीके से, आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, बट कलर थोड़ा डिसमैच। और यार जो नंबर प्लेट है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है मुझे, मतलब कि अब देखो कितना बड़ा लग रहा है। सो अभी नंबर प्लेट चेंज कराएंगे, कुछ नया करवाने वाले हैं अपन। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ हैं मॉडल ग्राउंड में फरहान भाई के शॉप पे, बिकॉज यहाँ हम डिज़ाइन करा रहे हैं अपनी नंबर प्लेट। बिकॉज यार अब जैसा कि आपने देखा R15 में जो मतलब नॉर्मल वाली नंबर प्लेट्स होती है कितनी बेकार लग रही है, तो यार फिर मैंने सोचा क्यों ना न्यू नंबर प्लेट बनवाई जाए, वो भी अपने चैनल के लोगों के साथ। और ये आइडिया शानू ने दिया था और मेरे दिल में भी चल रहा था, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम रुके हैं, टाइम हो गया है 6:30, मतलब 7 बजने वाली है। MP04 VA 8649। यूट्यूब का लोगो आ जाएगा बाकी। फाइनली हो चुकी है हमारी नंबर प्लेट तैयार, और भाई आप देख सकते हो क्या कमाल लग रही है, पूरी एकदम शाइनी, एंड जो लेटर्स हैं वो एम्बोजिंग में हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और
है बाइक की स्मॉल मॉडिफिकेशन एकदम कंप्लीट और बाइक के लुक्स हो चुके हैं एकदम चेंज जैसा कि आपने अभी देखा। सो यार बाइक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने में हाथ है हमारे फैजान भाई का और फरहान भाई का। तो जो भी उसमें इंस्टॉलेशन का वर्क था वो फैजान भाई ने करा है और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर प्लेट यार जिसका मैंने सोचा भी नहीं था, तो नंबर प्लेट बहुत ही बढ़िया बनी है और लोग आर्टिस्ट उस पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच फरहान भाई, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके और बहुत ही बढ़िया लगा और गाड़ी का काम भी बहुत अच्छा हुआ है। तो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं फिर, है ना। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहे गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।